उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, तो बीजेपी पूरा कमलमय हो गया है, तो वहां पर किस तरह से नारी शक्ति भी आवी रही, नारी शक्ति की जीत। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। स्वाति जी, जिस तरह से आपका एक चुनाव था, लड़ाई थी, और एक बहुत बड़ी चुनौती थी, आपको मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ना था, तो किस तरह से देखते हैं आप जीत के आए, और बहुत बड़े अंतराल से जीत के आए, बड़ी सीट थी, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती। देखिए, कहीं ना कहीं जो सीट निकली है उसमें जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से मोदी जी जो उनकी कार्यशैली है, जितनी योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए बनाई है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट था, हर एक व्यक्ति के मन में इम्पैक्ट था, और सब लोग बहुत शांत बैठे थे। सपा और बसपा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। हम लोगों को इतना विश्वास था कि जनता जरूर साथ देगी, और जनता ने वो कर दिखाया है। और मैं तो कहती हूँ, सिर्फ मेरी सीट नहीं, जितने भी लोगों की सीट निकली है उसमें जो हमारे केंद्र सरकार की जो मोदी जी की कार्यशैली थी, उस वजह से और लोगों के सपोर्ट से वो सीट निकली है। मेरी भी सीट इन्हीं वजहों से निकली है। जिस तरह से मायावती वाला जो प्रकरण हुआ था, तो उसमें इस दौरान हमारे बीजेपी के, आपके बीजेपी के नेता थे, तो उनको सजा मिल गई, और उस दौरान वो जेल भी गए सारी चीज़ें की। बसपा के नेता का भी उसी तरह का, नसीरुद्दीन जी का उसी तरह का कृत्य था, उस वो घूम रहे हैं, तो क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार में आएगी? के लोगों का या शायद नसीरुद्दीन सिद्दीकी का वही कृत्य नहीं था, बहुत ही विभत्स और बहुत ही बुरा कृत्य उन लोगों ने किया था, और ये बिल्कुल साफ झलक रहा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, सपा सरकार थी, किस तरीके से उन लोगों का साथ दे रही थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साथ दे रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे धर्म विशेष के लोगों को हिट नहीं करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सरकार चलाता हो तो उसे ना तो किसी जाति विशेष की बात करनी चाहिए, ना किसी धर्म विशेष की बात करनी चाहिए। आज दयाशंकर जी को भी पार्टी ने वापस कर दिया है, आप भी बहुत अच्छे अंतराल से जीतते हैं, तो आज खुशी है, आपकी दोगुनी खुशी है, तो किस तरह से? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि दोगुनी नहीं, तीन गुनी खुशी है भाई, हमारी सरकार बन गई, और इस तरीके से 325